अब दुनिया में कंप्यूटर का दौर है और हमारे बच्चे वैसे के वैसे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे कुछ बने, कुछ सीखें और कुछ ठंडी छाँव में रहकर अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि हमने धूप की बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। हमें मालूम है धूप में कमाना, धूप में खाना कितना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनारी है और मैं यहाँ गफूर शाह कॉलोनी में मीरपुर चैनल नाके की गफूर शाह कॉलोनी में रिहायश परवेज हूँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मजदूरी का काम करते हैं। मेरे 6 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। मैं बचपन में वहाँ हुसैनाबाद में एजुकेशन होम हाई स्कूल रिहानाबाद जी के नाम से जो मशहूर है वहाँ पे मैंने मैट्रिक किया, KG से लेकर मैट्रिक तक। जब मेरी शादी यहाँ होकर आई, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे और यहाँ का माहौल बहुत गरीब और गांव जैसा है, शहर के नज़दीक रहने की वजह से भी गांव जैसा है। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं यहाँ के बच्चों को थोड़ी सी तालीम दे दूँ। मैंने जब ये बात दिल पे लाई तो बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सामने दरिया है, दरिया के पार परेटाबाद में स्कूल है, बच्चे दरिया को नहर से पार नहीं जा सकते। तो इस वजह से बहुत परेशान रही मैं, 10-12 साल तक कंफ्यूज रही मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ। तब मैंने जाके 2016 में एक मशवरा लिया, मैंने ट्यूशन सेंटर का, वो जो मंदिर में हमारे पास था वहाँ पे और तो जगह थी नहीं जहाँ पे मैं बच्चों को 30-35 बच्चों को मैं इल्म दे सकूँ, लेकिन मंदिर था हमारा, वहाँ पे मैं अपने बच्चों को इल्म देती हूँ। अलीफ से अनार, अलमंदा से आम, कम से कम इतना पढ़ जाएँ कि अखबार का कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसमें से कुछ पढ़ कर सीख लें, समझ लें, प्राइमरी तक पढ़ जाए, बस ये कोशिश मुझे स्कूल खोलने के लिए कामयाब बना दी।